My name is Sangeeta Mehta and you're watching my channel, My English Magazine. Today I explain to you how to make note making. How to write note making for class 11th and 12th. Note making बनाने के लिए शब्दों का short form का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बड़ा शब्द छोटा लगे, जैसे answer, ans. नोट मेकिंग बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म का उपयोग 5 से 7 बार ही करें. अपने नोट मेकिंग बनाते समय जो एब्रीवेशंस का यूज़ किया है नोट मेकिंग में, कंप्लीट सेंटेंस का सिर्फ सेंटेंस ना लिखें, इनको छोटे छोटे फ्रेजेस में लिखें. किसी सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, डिटरमिनर निकाल लें, वह अपने आप एक फ्रेज बन जाता है. हाउ टू मेक एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म. स्टैंडर्ड एब्रीवेशन कुछ रूल पहले से ही बने हुए हैं, वे जैसे ही वैसे ही लिखे जाएंगे. जैसे आंसर आंस, गवर्नमेंट गवर्न, GOVT. कुछ शब्दों के स्टार्टिंग लेटर का इस्तेमाल उनकी शॉर्ट फॉर्म के लिए किया जाता है, जैसे मिनिमम मिन. इस्तेमाल उनकी शॉर्ट फॉर्म के लिए किया जाता है वर्ड में से वोवल्स को हटा कर भी शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में बदल दिया जाता है, जैसे वर्क, WRK, वर्क. अचीवमेंट, अचीवमेंट, ACHVMNT. एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए वर्ड के शुरू के कुछ लेटर और बाद वाले लेटर को लेकर बनाए जाते हैं, जैसे cannot, can't. नोट्स में हमें नंबर्स का एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म में बनाना है. नोट्स में हमें नंबर्स का एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाना है. नोट मेकिंग टिप्स है ये. टाइटल हमें कैपिटल लेटर में सेंटर में लिखना है और उसको पेन पेंसिल में अंडरलाइन करना है. राइट द टाइटल रिलेटेड टू द मैटर. हम जिस टॉपिक के बारे में नोट बना रहे हैं हमारा टाइटल भी उसी से संबंधित होना चाहिए. नोट लिखने के बाद हमें सेंटेंस को पूरा पढ़ने के लिए उसमें से मेन हेडिंग लिखनी है. मेन हेडिंग के लिए हम छोटे छोटे फ्रेज बनाकर भी लिख सकते हैं अथवा प्रिंट भी कर सकते. जब आप सभी नोट बना लो तो उसके बाद लास्ट में टेबल बॉक्स बनाकर उसमें जो आप ने शॉर्ट फॉर्म एवं इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ किए हैं उनको बॉक्स में लिखो, ताकि टीचर को मेंशन हो जाए कि हमने ये वर्ड ही एब्रीवेशन बनाने के लिए यूज़ किए हैं. How to write note making for, first of all, prepare notes using phrases only, never use complete sentence. The topic sentence of each paragraph is the main point and ideas affiliated